आज हम डिस्कस करेंगे क्लास नाइन्थ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ राइट ट्रायंगल एबीसी विद साइड 5 सेंटीमीटर 12 एंड 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व अबाउट द साइड ऑफ 12 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सो ऑब्टेंड। तो इसमें आपको पता कैसे चलेगा रेडियस क्या है, हाइट क्या है, ठीक है। अब उसने राइट ट्रायंगल बोल दिया एबीसी, उसको रिवॉल्व करना है, तो अगर हम रिवॉल्व करेंगे तो वो कोन बन जाएगा। अब ये ध्यान रखना कि ये जो वर्ड है ना रिवॉल्व, इसमें आप जिसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हो वो आपकी हाइट होगी, मतलब 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारी हाइट होगी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल को अब वो कहता है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो आपको ये जज करना है कि ये सॉलिड बनेगा क्या। जब हम इस सॉलिड को रिवॉल्व करेंगे, रोटेट करेंगे, तो ये क्या शेप लेगा, कोन की शेप लेगा, ठीक है। ये कोन बन जाएगा आपका, बस यही मेन चीज़ है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है ये फिगर क्या बनेगी, कोन। और जो हाइट है जिसके अलॉन्ग रिवॉल्व कर रहे हैं वो हो जाएगी हाइट, तो हाइट इज 12 सेंटीमीटर। ये चीज़ हमें 12 दे रखा है, ठीक है। अब देखो राइट एंड ट्रायंगल में सबसे लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटन्यूज होती है, तो हमें पता चल जाएगा 13 क्या है इसकी स्लांट हाइट, और रेडियस क्या बचा 5, ये थर्ड साइड होगी हमारी 5। बस अब क्वेश्चन इजी है, मेन आपको जज करना था कि ये फिगर में रेडियस क्या होगा, हाइट क्या होगी और स्लांट हाइट क्या होगी। अगर आपको ये तीन साइड्स पता चल गई, और पहली बात ये फिगर क्या बनेगी, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स ऑब्टेंड। तो जब हम किसी भी चीज़ को रिवॉल्व करते हैं किसी साइड को लेके, तो रिवॉल्व करते हुए ये कोन बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये ट्रायंगल शेप है, तो ये रिवॉल्व करता करता कोन की शेप ले लेगा। अब आपको पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। रेडियस हमारे पास आ गया 5 और हाइट है हमारे पास 12। 5 × 5 बन जाएगा 25 × 4, तो ये बन गया 100 पाई। अब अगर आपको पाई की वैल्यू दे रखी है तो आप पाई की वैल्यू पुट कर दोगे, नहीं तो यही आंसर आ जाएगा 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। और अगर आपको पाई दे रखा है 22/7, तो आप लिखोगे 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये चीज़, रिवॉल्व अबाउट द साइड एंड फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वो आपको बता नहीं रहा कि सॉलिड है क्या, कोन है, सिलेंडर है, स्फेयर है, हेमिस्फेयर है, तो वो आपको खुद आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है, अ हीप ऑफ वीट इज इन द फॉर्म ऑफ। अ कॉन हुज डायमीटर इज 0.5 सेंटीमीटर, सॉरी डायमीटर दिया हुआ 10.5 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम। द हीप is to be covered by canvas to protect it from rain. Find the area of the canvas required. दो चीज़ें निकालनी है हमें यहाँ पे, एक तो उसने बोला वॉल्यूम निकाल दो कोन का,
और एक हमें एरिया ऑफ कैनवस बोला गया है कि कितना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, फिगर बना लेते हैं इसकी। ये है हीप ऑफ वीट इन द फॉर्म ऑफ कॉर्न, ठीक है, हुज डायामीटर इज 10.5 सेंटीमीटर। डायामीटर मतलब ये पूरी लाइन दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर, तो हमें तो रेडियस चाहिए होता है। रेडियस क्या हो जाएगा इसका, हाफ। एंड हाइट इज 3 मीटर, हाइट मेरे को दे दी 3 मीटर, और यूनिट देख लेना है, ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में, तो किसी को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। चलो पहले वॉल्यूम निकालते हैं। देखो पहले है डायामीटर जो हमें गिवन दे रखा है, डायामीटर ऑफ कोन 10.5 मीटर, देयरफॉर रेडियस ऑफ कोन इज 10.5/2, तो ये हो जाएगा 5.25 मीटर। इसका हाफ किया है, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 एंड 10, 2 5 ज़ा 10, तो 5.25 मीटर क्या हो गया, रेडियस। अच्छा वॉल्यूम में मुझे रेडियस और हाइट की ज़रूरत होती है, हाइट हमें पहले दे रखी है, हाइट ऑफ कोन इज 3 मीटर, देयर फोर वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 πr²h। अच्छा अगर पाई की वैल्यू 22/7 दे रखी है तो सिर्फ वही पुट करनी है, ठीक है, तो यहाँ पे 22/7 ही पुट करनी है। क्वेश्चन में आपको वो गिवन दे देगा कि आपको पाई क्या यूज़ करना है, वो लिख देते हैं साथ में कि 3.14 यूज़ करना है या 22/7 यूज़ करना है। अच्छा यहाँ पे रेडियस था हमारे पास 5.25, तो इसको मैं लिख रहा हूँ 5 2 5/100 × 5 2 5/100 × h। h क्या है मेरे पास, 3 मीटर। ये 3 और ये 3 तो हो गए कैंसिल। अब आप देखो 7 7 ज़ा 49 और ये आपके पास बचेगा कैंसिल होके 35, 7 7 ज़ा 49, 35, 7 5 ज़ा 35, 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा 100, तो जो टर्म कैंसिल हो रही है वो कैंसिल करते जाओ, 2 2 ज़ा 4, 2 11 ज़ा। अच्छा ये भी 25 4 ज़ा 100, 25 2 ज़ा 50, 25 1 ज़ा 25, ठीक है, तो ये कैलकुलेशन करके हमारे पास जो न्यूमिरेटर में बच रहा है वो आ रहा है 11 × 3 × 21/2 × 4, ठीक है, तो अब कैंसिल तो कुछ होगा नहीं, 11 3 ज़ा 33 और 21, इनको पहले मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 693, ठीक है, 693 को 8 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो इसको आप 8 से डिवाइड करोगे जब आप, तो 8 8 ज़ा 64, ये हो गया 53, 8 6 ज़ा 48, डेसिमल लगा, 8 6 ज़ा 48, 28 2 ज़ा 16, 48 5 ज़ा, तो ये आंसर आ गया 86.625। वॉल्यूम था तो क्यूब में आएगा, मीटर क्यूब, ठीक है, ये मेरा हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर, 86.625 मीटर क्यूब। अब उसने कहा एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड, तो कैनवस के लिए मतलब हमें क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है हमें। एरिया ऑफ कैनवस, एरिया ऑफ कैनवस इज इक्वल टू CSA ऑफ कॉन, क्योंकि जो क्लॉथ होगा वो आउटर साइड पे लगेगा, बेस पे तो लगेगा नहीं, ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है πr(l)। अब प्रॉब्लम आपको आएगी एल निकालने के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्लांट हेड नहीं दे रखी और फॉर्मूला होता है एल स्केयर इज इक्वल टू r² + h²। अच्छा रेडियस तो हमें दे रखा है कितना, हमने अभी निकाला था रेडियस जो उसका हाफ किया था, किसका हाफ किया था हमने, डायामीटर का, कितना बना था 5.25, तो ये हो जाएगा इसका स्केयर प्लस एच का स्केयर, एच का स्केयर ईजी है निकालना, 3 का स्केयर 9। अब बात करते हैं 525 के स्केयर की, मतलब ये चीज सॉल्व करनी है मुझे। अब देखो नीचे तो 100 × 100 क्या बन गया, 4 ज़ीरोज़। अब इसकी ट्रिक क्या है 525 के स्केयर की, या तो ये ट्रिक याद रख लो या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। इसमें क्या होता है, ये 5 × 5 तो 25 बनेगा ही बनेगा, 52 को 53 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना होता है,
ठीक है, तो 52 को 53 से करेंगे तो क्या बनेगा, 2 3 6, 2 5 10, 5 3 15 ये हो गया 6 5 17, 2 7 5 6 2 5। इसको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो क्रॉस चेक करके कि ये वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 7 5 6 2 5 प्लस 9। अब देखो जीरोस कितनी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 27.5625 प्लस 9। ठीक है, डेसिमल तो उतने ही रहेंगे 5625 ही, क्योंकि इसके आगे तो 0 0 ही है। ठीक है, और 27 में 9 ऐड किए, हाँ जी 9 और 7 कितने बन गए, 16 और 1 36, तो ये हो गया 36.5625। और अभी ये वैल्यू किसकी आई है, एल स्केयर की। ठीक है, ये एल स्केयर की वैल्यू है, तो इसका रूट निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 36.5625। अब देखो इसमें अगर आप डेसिमल हटा देते हो तो नीचे जीरोस कितने बने, 4। ठीक है, और इसका 4 का अंडर रूट तो नीचे 100 बन गया। ठीक है, अब बात इसकी करनी है 3 6 5 6 2 5 की। अब देखो इसको कैसे करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड जो आपने 8th क्लास में भी पढ़ा था, अभी तक कई बच्चों को ये डाउट रहता है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे रूट को इतने बड़े को। तो पेयर बनाने होते हैं हमें 3 6 5 6 2 5, ये नंबर है मेरे पास, तो राइट साइड से पेयर स्टार्ट करेंगे, 6 6 36 या आया 56, 6 का डबल क्या है 12। अब देखो 12 पे तो ये डायरेक्ट जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट और ऐड होगा तो ये 3 डिजिट बन गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ 0 लगा के ये 25 लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये स्टेप ध्यान से देखना कि मैंने ना कट्ठे पेयर उतारे हैं, पहले ये उसके बाद अगला पेयर, क्योंकि ये डायरेक्ट जाएगा नहीं। अब 1 2 0 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, अगर मैं 5 से करता हूँ नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये 4 पे जाएगा, 1 2 0 4 × 4, ठीक है 4 8 16, माइनस किया 15 में से 6 का 9, 16 में से 8 का 8, ठीक है 8 0 9। अब यहाँ पे लग गया डेसिमल, क्योंकि पेयर तो पूरे हो चुके हैं, तो डेसिमल के बाद 2 पेयर्स उतरेंगे इसके। अब देखो 6 0 4, अगर मैं राउंड ऑफ लेके चलूँ, आपको पता है कि यहाँ नीचे 100 भी आ रहा है, तो मेरा आंसर अगर मैं एक डिजिट बस और सॉल्व कर दूँ तो सफिशेंट है। इसका डबल क्या होगा, 1 2 0 8। अब 1 2 0 8 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, इसके राउंड अबाउट आना चाहिए आंसर। 8 से अगर करूंगा वो तो बहुत बड़ा चला जाएगा, 7 से भी बड़ा चला जाएगा, 6 से करके देखो 1 2 0 8 6, 6 6 36, 6 8 48 और 3 51, 6 2 12, और ये बना 72516। ठीक है, तो 6 के अराउंड ही बनेगा इसका आंसर, क्योंकि अगर मैं 7 से करता 12 7 84 तो सीधा ही आ जाता, वो तो इंक्रीज कर गया, तो यहाँ पे 6 लगा दो बस। ठीक है, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। अब इसकी वैल्यू आई 604.6, और 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 2 डेसिमल शिफ्ट हो जाएंगे तो बना 6.046। ठीक है, तो एल की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 6.046। तो अब आप राउंड ऑफ करके इसको 6.05 भी कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, हम 2 डिजिट तक ले लेते हैं, ज़्यादा आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आपका आंसर ठीक माना जाएगा, ये अप्रॉक्सीमेट में आपका यही आएगा 6.05। तो ये हमारी लेंथ मतलब स्लांट हाइट जो आ गई हमारी 6.05। अब बस फॉर्मूले में पुट करना है आपको, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारा था 5.25, उसको मैं लिख रहा हूँ 525/100, एंड एल मैंने लिया 605/100। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व करने के लिए अगर आप डिवाइड करना चाहते हो, 7 7 ज़ा ये कैंसिल हो रहा है, 7 7 ज़ा 49, 35 7 5 ज़ा 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा 100। ठीक है, तो 4 को अगर आप करोगे, अगर मैं 6 0 5 6 लेता तो उसका यहाँ पे हेल्प होना था, 4 1 ज़ा 4, 24 5 ज़ा, 4 1 ज़ा 4 116। अगर मैं 6 0 4 लूँ
अगर देखो, अगर मैं बाई चांस इसकी वैल्यू 6.05 आ रही थी, अगर मैं 6.056 ले लेता तो मेरे को इसमें हेल्प मिल जाती डिवाइड करने में। देखो अगर मैं यहाँ पे लूँ 6.046, ठीक है, अगर मैं इसको 6046 लिख लूँ और यहाँ पे नीचे ज़ीरो लगा लूँ, ठीक है, मतलब ये वाली वैल्यू कंसिडर करूँ, देखो उसमें मेरे को क्या हेल्प मिल रही है, ये 4 कैंसिल हो जाएगा मेरा। देखो हो रहा है क्या, 4 1 ज़ा 4 20, 4 5 ज़ा 4 1 ज़ा 4, नहीं ये फिर डेसिमल में चले जाएगा। या फिर ऐसा करो, इसको कट कर दो, 2 11 ज़ा 2, अब कैंसिल कर दो, 2 3 ज़ा 6, 0 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, अब ठीक है, नीचे आप देखो सिर्फ जीरोज रह गए। अब क्या करना है, 11 × 3 33, और 3023 को 33 से मल्टीप्लाई, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 0 3 3 ज़ा 9, तो ये बन गया 9069, 6915, 799, 99759 अपॉन 1000, 1 2 3, तो 99.759, या फिर हम इसको अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं 99.76, ठीक है। तो आपका आंसर ये मीटर स्क्वेयर में आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो कैलकुलेशन में एक पॉइंट इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सारी चीज़ें सही रहेंगी। तो इसको क्वेश्चन को ध्यान से करना क्योंकि कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा है इसमें, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।